हमारे जीवन में किसी भी इंसान की जिंदगी में कभी न कभी एक न एक बार थाने पुलिस से वास्ता पड़ता जरूर है, और जब भी वास्ता पड़ता है तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं क्योंकि आप कानून को जानते नहीं है। जजमेंट ये क्या बोलता है? ये बोलता है बेल मिलना अधिकार है किसी का भी, और जेल एक एक्सेप्शन है। मतलब कि जेल कुछ ही कंडीशंस में भेजा जाए जब प्राइम ऑफिसी दिखता हो कि हाँ यहाँ पर क्राइम घटित हुआ है। जितने भी अपराध 10 साल से कम की सजा के हैं उन सभी के अंदर 60 डेज में चार्जशीट लगाना अनिवार्य है। पर NDPS के मामले में अगर कोई भी आपका जानकार सगा संबंधी अगर बंद है, 4 महीने हो गए, 4.5 महीने, 5 महीने हो गए, अभी तक चार्जशीट नहीं लगी। दोस्तों हमने बेल पर जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपके लिए, जितने भी वीडियोस में आपको बताया है कि आप बेल कैसे लेंगे, उन्हीं सब वीडियोस को देखते हुए, चाहे वो एंटीसिपेटरी बेल रही हो, थाने से ही बेल आपने ले ली हो, या फिर आपने बेल ली हो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, रेगुलर बेल आपने ली हो, चाहे इंटरिम बेल ली हो, इनमें बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे, तो उन्हीं सवालों के जवाब देते हुए हमने पहले एक वीडियो बनाई थी कैंसिलेशन ऑफ बेल, जिसमें 439 के सबसेक्शन 2 का हमने जिक्र किया था और आपको बताया था कैसे कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन आप लगाएंगे। तो किसी की आप बेल एप्लीकेशन कैंसिल करा सकते हैं और साथ में वापस उसको जेल भेज सकते हैं। उन्हीं वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स थे हमारे पास, व्हाट्सएप पर भी आपने बहुत सारे हमें मैसेज किए कि हम वीडियो बनाएं कि सर डिफॉल्ट बेल क्या होती है, डिफॉल्ट बेल कब मिलती है, मतलब कि चार्जशीट टाइम से नहीं लगी तो क्या आपको बेल मिल जाएगी? 60 दिन 90 दिन में चार्जशीट लगती है, कुछ मामलों में देखा जाए तो 180 दिन में भी चार्जशीट लगती है 6 महीने में, तो क्या आपको उसमें बेल दे दी जाएगी? डिफॉल्ट बेल क्या बोलता है, कौन से CRPC के सेक्शन में इसका जिक्र किया गया है, क्या जजमेंट्स हैं और किस तरह से आप ये बेल ले पाएंगे, उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों हमारे जीवन में किसी भी इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी एक न एक बार थाने पुलिस से वास्ता पड़ता जरूर है, और जब भी वास्ता पड़ता है तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं क्योंकि आप कानून को जानते नहीं है। उससे ज्यादा प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब कोई भी आपका जानकार सगा संबंधी या खुद आप अरेस्ट होने के कगार पे खड़े हो जाते हो, अरेस्ट आप होने वाले हो, जेल आप भेज दिए जाओगे, अब आपकी बेल कैसे होगी? दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो हमारे देश का जो कानून है वो क्या बोलता है, जजमेंट भी उसके ऊपर आया था, जजमेंट का नाम मैं आपको बताऊंगा, बालचंद अलियास बलिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1978 का ये जजमेंट है। जजमेंट ये क्या बोलता है? ये बोलता है बेल मिलना अधिकार है किसी का भी, और जेल एक एक्सेप्शन है। मतलब कि जेल कुछ ही कंडीशंस में भेजा जाए जब प्राइम ऑफिसी दिखता हो कि हाँ यहाँ पर क्राइम घटित हुआ है, और वैसे किसी को भी बेल दे देनी चाहिए अगर बेल बनती है, थोड़े से भी ग्राउंड्स बनते हैं। पर यहाँ पर एक डिफॉल्ट बेल का भी प्रावधान आता है जिसका जिक्र हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर 167 मतलब कि 167 का सब सेक्शन 2 में इसके बारे में भी डिटेल में लिखा हुआ है कि कब आप डिफॉल्ट बेल लगाएंगे और बेल जो आपको मिलेगी वो मिलती कैसे है। दोस्तों दो तरह के यहाँ पे अपराध डिफाइन किए गए हैं, इसको समझने के लिए उसके लिए ही मैं एक आपको साथ में ही एग्जांपल देकर एक जजमेंट भी देना चाहूंगा। जजमेंट को आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों ये एक जजमेंट मैं आपको बताऊंगा जो कि 2017 का जजमेंट है। ये 17 के जजमेंट में राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2017 में जजमेंट आया। ये क्या बोलता है बेसिकली, या उससे पहले आप ये समझ लीजिए अपराध दो तरह के जो बोल रहा हूं मैं आपको, 10 साल से ज्यादा की सजा जिसमें कि मृत्युदंड हो या फिर उम्र कैद हो, या फिर 10 साल से ज्यादा की सजा वाले जितने भी अपराध हैं उन सभी में चार्जशीट कितने दिन में लगेगी, 90 डेज में। मतलब 90 डेज का मैक्सिमम टाइम दिया गया है। जितने भी अपराध 10 साल से कम की सजा के हैं उन सभी के अंदर 60 डेज में चार्जशीट लगाना अनिवार्य है। पर NDPS के मामले में अगर कोई भी आपका जानकार सगा संबंधी अगर बंद है, 4 महीने हो गए, 4.5 महीने, 5 महीने हो गए, अभी तक चार्जशीट नहीं लगी, आप 167(2) के प्रावधान से अगर जाके बेल लगाओगे तो बेल आपकी वो सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि रीजन सिर्फ इतना सा है इसके अंदर, क्योंकि यहां पर 180 दिन तक का भी एक प्रावधान है, 180 दिन के अंदर भी चार्जशीट लगाई जा सकती है NDPS के जैसे मामलों में। अब दोस्तों इसमें एक और एक्सेप्शन आता है आपके लिए। मान लीजिए 90 डेज तो हो गए, 90 डेज 91वां या 92वां दिन है और आपने एप्लीकेशन नहीं लगाई, बट उससे पहले IO साहब जाकर एक एप्लीकेशन दे देते हैं और बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है, या मुझे उसे पकड़ना है, या फिर यहां पर जाना है, कुछ वेरीफाई करवाना है, या कुछ भी एक्सक्यूज देकर एप्लीकेशन लगा दी, तो आपकी अब इस एप्लीकेशन पर 167(2) की एप्लीकेशन जो बाय डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई नहीं होगी।
फिर आपको वेट करना होगा। और एक और मैं आपको इसके अंदर ही एक ऑप्शन और देता हूं कि मान लीजिए 91वां दिन है या मान लीजिए 61वां दिन है, मतलब 60 दिन 90 दिन के दो प्रावधान मैंने आपको दिए, 60 दिन हो गए चार्जशीट नहीं लगी, 61वां दिन आ गया या 90 दिन पूरे हो गए अब 91वां दिन आ गया और आप सीधा कोर्ट पहुंच गए, तो जरूरी नहीं है कि आप रिटर्न में एप्लीकेशन देकर फैसिलेशन में एप्लीकेशन देंगे वहां पर जाके बेल लिस्ट की होगी, जरूरी नहीं है। आप सीधा जाकर ओरली आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं, हाथ से फटाफट से एप्लीकेशन लिख दीजिए, जाके एप्लीकेशन दीजिए रीडर साहब को, अपनी आर्ग्यूमेंट आप शुरू कर सकते हैं, यहां से भी आपको बेल बिल्कुल मिल सकती है। दोस्तों हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से, जो हमारा चैनल है, मैं आपको वही बताता हूं जो कोर्ट में रियली में चलता है, प्रैक्टिकली कोर्ट किस तरह से चलता है। किताबें पढ़कर आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, बट किताबें पढ़कर आप वो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं ला सकते जो होना चाहिए। उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट होना जरूरी है आपको, अच्छी एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, साथ में नॉलेज होनी चाहिए जिस मैटर पर आप बात करने जा रहे हैं। जो जो चीजें प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं, उनमें से कोई भी चीजें आप फॉलो करोगे तो आपको उसमें रिलीफ मिलेगा जरूर। 167(2) के अंदर बाय डिफॉल्ट बेल का जो प्रावधान है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आप ये एप्लीकेशन मूव करेंगे तो आपके क्लाइंट को, अगर आप वकील साहब है, अपने क्लाइंट को, आप नए लॉ स्टूडेंट हैं, सीखिए, और आपके खुद पर कोई केस चल रहा है तो आप देखिए कितने टाइम में चार्जशीट लगी, और अगर ये डेज पूरे हो रहे हैं तो अपने वकील साहब को आप बताइए। अब कई केस ऐसे भी आते हैं प्रैक्टिकली जो मेरे सामने हुआ, मान लीजिए कोई चीटिंग का एक छोटा सा केस था, चीटिंग के अंदर कोई मामला था, 420 सेक्शन उसके अंदर लगा हुआ था, जैसे ही मैंने वहां पर बेल अपनी मूव की 15 या 16 दिन के बाद, और जब मैंने आर्ग्यूमेंट किए तो ऑर्डर दिया गया कि इंटरिम बेल ग्रांट करते हैं, 15 दिन में जैसे मैंने बेल लगाई तो इंटरिम में ग्रांट कर दिया 45 डेज का, कि 45 डेज तक का आपको हम इंटरिम एक पीरियड देते हैं, रेगुलर बेल नहीं है, इंटरिम मिल गया। अब 60 दिन में चार्जशीट लग जाएगी, चार्जशीट लगते ही सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आप क्या करो यहां पर, अगर 60 दिन में चार्जशीट नहीं लगी, क्योंकि वहां पर जो आपके केस के आईओ है वो यही सोचेंगे कि बेल हो गई है, पर उन्होंने अगर 61वें दिन तक भी अगर चार्जशीट नहीं लगाई, फटाफट जाकर आप डिफॉल्ट बेल लगा दो। ऐसे सेम केस में कई बार कर चुका हूं, बेल यहां मिल जाती है, मजिस्ट्रेट साहब आपकी सुनवाई नहीं करते हैं तो सीधा बोलो आप बेल डिसमिस कीजिए और मेंशन कीजिए 61वां दिन है बट मैं बेल देने के लिए डिक्लाइन नहीं हूं, तो आप उसी जाके एप्लीकेशन को दोबारा से मॉडिफाई करके सेशंस कोर्ट में लगाइए, आपकी बेल बिल्कुल हो जाएगी। सिर्फ आपको रेमेडीज पता होनी चाहिए क्या कहता है हमारे देश का कानून। दोस्तों डिफॉल्ट बेल पर जो 167(2) का जो मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, इसके डिटेल अगर आप वीडियो चाहते हैं ना, क्या बोलता है जजमेंट, जो राकेश कुमार पॉल का मैंने आपको बताया 2017 का जजमेंट जो है वो क्या बोलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अगर हमसे अगर बोलते हैं तो हम उस पर डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे क्या है वो पूरा। और साथ में ही आपको यहां पर एक और मैं सीआरपीसी की बात करता हूं, सीआरपीसी का 169 एंड सीआरपीसी का 170, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है किसी की बिल कराने के लिए। इन दोनों पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना या बताना, डिटेल में वीडियो बनाए इस जजमेंट पर, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, जिस पर ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा, कोशिश करूंगा आपके सब तरह के डाउट्स को क्लियर करने की। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को एजुकेटेड बनाइए, अपने आप को ज्ञानवान बनाइए, ताकि जब आप कोर्ट में खड़े हो या आप पर केस हो या आप केस की पैरवी करने गए हैं तो कॉन्फिडेंटली अपनी बात को आप कोर्ट में रख सके। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।